हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मामी किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही चटपटा मशरूम चिली। आप बहुत बार मशरूम चिली बनाएंगे, लेकिन एक बार मेरे तरीके से अगर बनाएंगे तो और भी स्वादिष्ट लगेगा। और मैं जिस तरह से बनाती हूँ उस तरह से मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, बस कम सामान में, कम समय में ये बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बस ये वाला मशरूम पहले ले आइए। ये मशरूम ज़्यादातर इस ठंड के मौसम में ही मिलता है, बहुत ही ज़्यादा मिलता है ये। और ये ठंड के मौसम के बाद ये मशरूम नहीं मिलेगा। तो बस आपको ये वाला मशरूम ले आना है। और उसके बाद देखिए मैं जिस तरह से तोड़ रही हूँ, बस आप एक एक करके इस तरह से तोड़ लीजिए। और उसके बाद इसे हम अच्छी तरह से धो लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ मैंने उसे तोड़ के से अच्छी तरह से धो के रखा है। और यहाँ टमाटर का पेस्ट बनाया है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट। और देखिए पहले हम मशरूम को ले लेते हैं, उसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। और उसके बाद ये जो टमाटर, मैंने दो टमाटर का मैंने यहाँ पेस्ट बना के रखा था, इससे स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसे हम डाल देंगे। और इसके बाद यहाँ डालेंगे हल्दी पाउडर 1 चम्मच, उसके बाद स्वाद अनुसार नमक, उसके बाद डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, और उसके बाद चले यहाँ लेंगे कॉर्नफ्लोर बस 3-4 चम्मच, और उसके बाद यहाँ हम लेंगे मैदा अगर 3-4 चम्मच इस कॉर्नफ्लोर है तो आप 1 चम्मच इसमें मैदा हम मिलाएंगे। और ये सब डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैंने मिक्स अच्छी तरीके से कर लिया है, रख दिया है, साइड में रख देते हैं। और उसके बाद यहाँ कर लेते हैं तेल गरम। तो मैंने यहाँ पहले से ही तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तो ये तेल गरम हो चुका है, तो अभी हम ये मशरूम को डाल देते हैं। तो अच्छी तरीके से चारों तरफ से फैला लीजिए। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए ताकि तब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास पहले पहुँचे। और कमेंट शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए एक साइड हो चुका है, तो दूसरे साइड हम पलट देते हैं। तो यहाँ मैंने पलट दिया है, तो इसे बस गोल्डन ब्राउन होने तक ही इसे तलेंगे। तो ये देखिए, मुझे लग रहा है कि ये मशरूम अच्छी तरीके से हो गया है। तो चलिए इसे अब निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया है। और उसके बाद जो भी मशरूम है उसे भी मैं इस तरह के फ्राई करके निकाल लूँगी। तो चलिए उसके बाद फिर से कढ़ाई गर्म करते हैं, उसमें डाल देते हैं थोड़ा सा तेल। और तेल डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ कैप्सिकम और प्याज। तो मैंने यहाँ 3-4 प्याज को कट करके रखा था, तो इसे डालेंगे। पहले हम हरी मिर्च डालेंगे, उसके बाद ये अनियन को डाल देंगे, और उसके बाद डालेंगे कैप्सिकम, कटा हुआ कैप्सिकम। मैंने यहाँ 2 कैप्सिकम को कट करके रखा था, तो उसे डालेंगे। बस ये को इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। और इसमें डाल देंगे बस 1/2 चम्मच नमक, तो जल्दी से ये कैप्सिकम और ये अनियन पक जाएगा। तो ये देखिए यहाँ कैप्सिकम और अनियन अच्छी तरीके से पक गया है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छी तरीके से कैप्सिकम पक गया है, तो ये अच्छी तरीके से हो गया है, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। इसमें हम डाल देंगे फिर से 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और यहाँ 1 चम्मच गरम मसाला। ये सब डालने के बाद यहाँ डाल देंगे टमाटर केचप, और यहाँ डालेंगे चिली सॉस, और उसके बाद डालेंगे सोया सॉस बस 1-2 चम्मच, और उसके बाद डाल देंगे 1 चम्मच विनेगर, और डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए ये तो हो गया है। उसके बाद ये जो मशरूम हम फ्राई करके रखे थे उसे डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो मिला लेने के बाद गैस ऑफ कर देंगे,
और गैस ऑफ करके इसमें कटा हुआ धनिया का पत्ता डाल देंगे और उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये देखिए बनके तैयार हो गया है मशरूम चिली, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी मशरूम चिली। आप एक बार ज़रूर घर पे इस तरह से बना के ट्राई कीजिए और कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए थैंक यू।